गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जीएनयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये जीएनयू यूनिवर्सिटी एडमिशन सेशन 2023-2024 से रिलेटेड तो इस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि आप एडमिशन के लिए कौन सी डेट से अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट क्या है और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका होना है वो कौन सी डेट को होगा कहाँ पर होगा टाइमिंग क्या है और काउंसलिंग आपकी कौन सी डेट पर होगी तो सारा कुछ आपको बताया गया है तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट के नाम दिए गए हैं उसके बाद प्रोग्राम उसके बाद एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होन एंड्स होन उसके बाद डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम वेन्यू ऑफ टेस्ट कोऑर्डिनेटर काउंसलिंग डेट एंड वेन्यू तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर और जो क्लास है वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर तो इस क्लास की एडमिशन जो शुरू हो गई हैं आठ पाँच दो हजार तेईस से और लास्ट डेट है बीस छः दो हजार तेईस और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा पाँच सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग जो है वो है टेन ए एम टू ट्वेल्व फिफ्टीन पी एम वेन्यू ऑफ टेस्ट है महाराजा रंजीत सिंह भवन उसके बाद जो काउंसलिंग होगी वो होगी बारह सात दो हज़ार तेईस से पंद्रह सात दो हज़ार तेईस तक गुरु नानक भवन में तो इस हिसाब से आप अपनी अपनी क्लास का देख सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो फर्स्ट क्लास है बीटेक टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एडमिशन स्टार्ट हो गई है आठ पाँच दो हजार तेईस से लास्ट डेट है बीस छः दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा छः सात दो हजार तेईस को जो टाइमिंग है वो है दोपहर की टू थर्टी पी एम टू फोर पी एम और जो काउंसलिंग होगी वो होगी सतारह सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद एम एस सी फाइवेयर कोर्स फैशन डिजाइनिंग तो इसकी भी लगभग सेम ही है उसके बाद बी टेक टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आठ पाँच दो हजार तेईस से एडमिशन स्टार्ट है लास्ट डेट है ग्यारह सात दो हज़ार तेईस और इनकी जो एडमिशन है वो थ्रू मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के थ्रू होगी उसके बाद जो काउंसलिंग होगी वो होगी तेरह सात दो हजार तेईस को उसके बाद बी टेक टेक्निकल टेक्सटाइल आठ पाँच दो हजार तेईस से एडमिशन स्टार्ट है लास्ट डेट है बीस छः दो हज़ार तेईस और जो उनकी एडमिशन है वो है जे ई बेस्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट पर डिपेंड होगी तो उस हिसाब से होगी उसके बाद एम एस सी फैशन डिजाइनिंग टू ईयर कोर्स स्टार्टिंग डेट है एट फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से एडमिशन स्टार्ट लास्ट डेट है ग्यारह सात दो हज़ार तेईस और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा अठारह सात दो हजार तेईस को उसके बाद तो लगभग सभी डिपार्टमेंट की एडमिशन जो स्टार्ट है होगी वो होगी आठ पाँच दो हजार तेईस से लास्ट डेट किसी किसी डिपार्टमेंट की है बीस छः दो हजार तेईस और किसी किसी क्लास की है ग्यारह सात दो हजार तेईस वो है बैचलर ऑफ़ आर्किटेक्चर आठ पाँच दो हजार तेईस से एडमिशन स्टार्ट है बीस छः दो हजार तेईस लास्ट डेट है और जो इनकी एडमिशन होगी वो होगी बेस्ड ऑन मेरिट इन क्वालिफाइंग एग्जाम एंड एन ए टी ए स्कोर फिफ्टी फिफ्टी और जो इनकी काउंसलिंग होगी तो उसका जो शेड्यूल है वो जल्दी ही वेबसाइट पर अपडेट होगा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी एम एस बायोटेक्नोलॉजी जो स्टार्टिंग डेट है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस एडमिशन स्टार्ट लास्ट डेट है ग्यारह सात दो हज़ार तेईस और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इनका होगा वो होगा सोलह सात दो हजार तेईस को टाइमिंग दोपहर बारह बजे से एक बजे तक जो ये टेस्ट होगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी में और जो इनकी काउंसलिंग है वो है सतारह सात दो को उसके बाद एम एस सी बोटनी एम एस सी एन्वायरमेंटल साइंस एम एस सी बोटनी फाइबर कोर्स तो इन सभी क्लासेस की एडमिशन आठ पाँच दो हजार तेईस से स्टार्ट हो गई है आप अप्लाई कर सकते हो लास्ट डेट जो है वो है ग्यारह सात दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सोलह सात दो हजार तेईस को एम एस सी बोटनी टू ईयर कोर्स का मॉर्निंग में है दस बजे से ग्यारह बजे तक एम एस सी एनवायरमेंटल साइंस का इवनिंग में है थ्री पी एम टू फोर पी उसके बाद जो काउंसलिंग है वो होगी बीस सात से इक्कीस सात दो हजार तेईस तक उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री तो आप अपनी क्लास के हिसाब से देख सकते हैं एम एस सी फाइव ईयर कोर्स केमिस्ट्री आठ पाँच दो हजार तेईस एडमिशन स्टार्ट लास्ट डेट है बीस छः दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा पाँच सात दो हजार तेईस को सुबह दस बजे से बारह पंद्रह पी तक और जो लोकेशन है वो है महाराजा रंजीत सिंह भवन और जो काउंसलिंग होगी वो होगी बारह सात दो हज़ार तेईस से पंद्रह सात दो हज़ार तेईस तक उसके बाद एम एस सी में टू ईयर कोर्स एडमिशन स्टार्ट फ्राम आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सतारह सात दो हज़ार तेईस को सुबह दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक और काउंसलिंग जो होगी वो होगी उन्नीस सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस का एम सी ए टू कोर्स एम सी ए फाइव ईयर कोर्स पी जी डी सी ए डी सी एडमिशन जो स्टार्ट होनी है इन सभी की वो होगी आठ पाँच दो हजार तेईस से लास्ट डेट जो फर्स्ट क्लास की है वो है ग्यारह सात दो हज़ार तेईस उसके बाद बीस छः दो हजार तेईस उसके बाद ग्यारह सात दो हज़ार तेईस उसके बाद बीस छः दो हजार तेईस और जो एम सी ए टू ईयर कोर्स है इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा अठारह सात दो हज़ार तेईस को सुबह ग्यारह बजे से बारह बजे तक महाराजा रणजीत सिंह भवन में और जो उनकी काउंसिलिंग है वो है बीस सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो क्लास है वो है एमएससी तो अप्लाई करने की जो डेट है वो आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट जो है वो है बीस छः दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा एक सात दो हजार तेईस को टाइमिंग जो है वो है दस ए एम टू ट्वेल्व पी एम वेन्यू ऑफ टेस्ट महाराजा रणजीत सिंह भवन और जो काउंसलिंग होगी वो होगी सात सात दो हज़ार तेईस से बारह सात दो हज़ार तेईस तक उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है तो जो क्लास है बी टेक एम टेक तो इनकी जो एडमिशन स्टार्ट है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस से और जो बी टेक साइंस एंड इंजीनियरिंग और एम टेक साइंस एंड इंजीनियरिंग की लास्ट डेट एडमिशन की वो है बीस छः दो हज़ार तेईस और जो इनकी एडमिशन होगी वो होगी जेई बेस दो हज़ार तेईस रिज़ल्ट के थ्रू उसके बाद नीचे क्लास है बी टेक कम्प्यूटर इंजीनियरिंग जो उनकी एडमिशन है वो आठ पाँच दो हजार तेईस से स्टार्ट है लास्ट डेट बीस छः दो हजार तेईस और एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा पाँच सात दो हजार तेईस को सुबह दस बजे से दोपहर बारह पंद्रह पी तक जो लोकेशन है वो है महाराजा रंजीत सिंह भवन और जो काउंसलिंग होगी वो होगी बारह सात दो हजार तेईस से पंद्रह सात दो हजार तेईस तक गुरु तो नानक भवन में उसके बाद लास्ट में है एम टेक कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आठ पाँच दो हज़ार तेईस से एडमिशन स्टार्ट है लास्ट डेट है ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उन्नीस सात दो हज़ार तेईस को दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक सुबह लोकेशन है महाराजा रणजीत सिंह भवन और जो काउंसलिंग होगी वो होगी इक्कीस सात दो हजार तेईस को उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है एजुकेशन का तो इनमें जितनी भी क्लासेज हैं बी एस सी बी एड एम ए बी ए बी एड बी एस सी बी एड बी कॉम बी एड तो जितनी भी क्लासेज़ हैं सबकी एडमिशन जो स्टार्ट होनी है वो होगी आठ पाँच दो हज़ार तेईस से और लास्ट डेट जो है वो ग्यारह सात दो हज़ार तेईस और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो अलग अलग है तो जो फर्स्ट क्लास है उसकी है पंद्रह सात दो हजार तेईस सुबह दस बजे से ग्यारह बजे तक जो काउंसलिंग है वो होगी बीस सात दो हजार तेईस को उसके बाद बी एस सी अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन तो इसकी जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है वो है चौदह सात दो हजार तेईस दस बजे से ग्यारह बजे तक सुबह काउंसलिंग जो होगी वो होगी अठारह सात दो हजार तेईस को उसके बाद एम एजुकेशन इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा पंद्रह सात दो हज़ार तेईस को सुबह दस बजे से ग्यारह बजे तक काउंसलिंग बीस सात दो हजार तेईस को उसके बाद एम एड की एडमिशन आठ पाँच दो हजार तेईस से स्टार्ट है लास्ट डेट ग्यारह सात दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा बीस सात दो हज़ार तेईस को सुबह दस बजे से ग्यारह बजे तक काउंसलिंग जो है वो है बाईस सात दो हजार तेईस को उसके बाद बी ए बी एड फोर एयर कोर्स बी एस सी बी एड फोर एयर कोर्स बी कॉम बी एड फोर एयर कोर्स एडवांस डिप्लोमा एंड चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन स्टार्टिंग डेट एडमिशन की जो है वो है आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम सतारह सात दो हज़ार तेईस और जो इनकी एडमिशन होनी है वो होगी थ्रू मेरिट ऑफ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एन सी ई टी कंडक्ट बाई एन टी ए और जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जल्दी आपको बता दिया जाएगा जी एंड यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर और जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी उसमें जो फर्स्ट क्लास है वो बी टेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो स्टार्टिंग डेट है एडमिशन की वो है आठ पाँच दो हजार तेईस एडमिशन स्टार्ट लास्ट डेट है बीस छः दो हजार तेईस और जो की एडमिशन होनी है वो जे ई बेस्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पर बेस होगी और सेम बी टेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की भी सेम ही है सारा कुछ उसके बाद एक्स डिपार्टमेंट जो है वो इंग्लिश का एम ए इंग्लिश एडमिशन जो स्टार्ट होनी है वो होगी आठ पाँच दो हजार तेईस से लास्ट डेट है ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उन्नीस सात दो हज़ार तेईस को टाइम जो है वो है सुबह दस बजे से दोपहर तो बारह बजे तक और जो लोकेशन है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और जो काउंसलिंग होगी वो होगी बाईस सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम एस सी फूड टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा अट्ठारह सात दो हज़ार तेईस को टाइम टेन एम टू इलेवन एम काउंसलिंग होगी चौबीस सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद बी टेक फूड टेक्नोलॉजी और एम एस सी फाइव कोर्स फूड टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट बीस छः दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा पाँच सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग टेन ए एम टू ट्वेल्व फिफ्टीन पी एम लोकेशन महाराजा रंजीत सिंह भवन काउंसलिंग जो होगी वो होगी बारह सात दो हज़ार तेईस से पंद्रह सात दो हजार तेईस तक उसके बाद नेक्स्ट फॉरेन लैंग्वेज के एडमिशन के बारे में बताया गया है तो जितने भी कोर्सेज हैं फुल टाइम पार्ट टाइम शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स स्टार्टिंग डेट है आठ पाँच दो हजार तेईस और लास्ट डेट है ग्यारह सात दो हजार तेईस जो उनकी एडमिशन है वो थ्रू मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम के थ्रू होगी और जो उनकी काउंसिलिंग होगी वो होगी तीस सात दो हज़ार तेईस से इकतीस सात दो हजार तेईस तक नेक्स्ट एम ए रिलीजियस स्टडीज़ और एम ए फिलोसफी स्टार्टिंग डेट है आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट है ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्जाम होगा अठारह सात दो हजार तेईस को टाइमिंग जो है वो दोपहर की बारह बजे से दो बजे तक लेक्चर थिएटर लोकेशन है और जो काउंसलिंग होगी वो होगी बीस सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हिंदी एमए हिंदी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हिंदी स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हजार तेईस डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट उन्नीस सात दो हजार तेईस टाइमिंग दोपहर की ट्वेल्व थर्टी पी एम टू ट्वेल्व पी एम वेन्यू ऑफ टेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी काउंसलिंग जो होगी वो होगी तेईस सात दो हजार तेईस उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हिस्ट्री एम हिस्ट्री स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हजार तेईस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा अठारह सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग दोपहर तो की है बारह बजे से दो बजे तक लेक्चर थिएटर लोकेशन है और जो काउंसलिंग होगी वो होगी बीस सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद ह्यूमन चैनिज डिपार्टमेंट है स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हजार तेईस काउंसलिंग जो होगी वो चलेगी बीस सात दो हज़ार तेईस से इकतीस सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम सोलह सात दो हज़ार तेईस को है सुबह दस बजे से ग्यारह बजे तक तो आप अपनी अपनी क्लास के हिसाब से देख सकते हैं उसके बाद होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज़म स्टार्टिंग डेट एडमिशन की आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट बीस छः दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा एक सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग सुबह दस बजे से बारह बजे तक लोकेशन महाराजा रंजीत सिंह भवन काउंसलिंग जो चलेगी वो चलेगी सात सात दो हजार तेईस से बारह सात दो हज़ार तेईस तक तो उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है लो एल एल बी थ्री ईयर कोर्स की एडमिशन और बी एल एल बी फाइव ईयर की एडमिशन जो होनी है वो होगी मेरिट ऑफ स्टेट लेवल एडमिशन के थ्रू जो पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से उसके बाद एल एल एम वन ईयर कोर्स स्टार्टिंग डेट है वो है आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा अठारह सात दो हजार तेईस को टाइमिंग सुबह ग्यारह बजे से बारह बजे तक लोकेशन डिपार्टमेंट ऑफ लॉस उसके बाद काउंसलिंग जो चलेगी वो चलेगी पच्चीस सात दो हजार तेईस से छब्बीस सात दो हजार तेईस उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हजार तेईस से आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए लास्ट डेट ग्यारह सात दो हजार तेईस एडमिशन जो होगी वो होगी थ्रू मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम काउंसलिंग जो होगी वो होगी पच्चीस सात दो हजार तेईस को उसके बाद मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट बीस छः दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो होगा एक सात दो हज़ार तेईस को सुबह दस बजे से बारह बजे तक लोकेशन महाराजा रणजीत सिंह भवन काउंसलिंग जो चलेगी वो चलेगी सात सात दो हज़ार तेईस से बारह सात दो हज़ार तेईस उसके बाद मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एम एस सी मैथेमेटिक टू ईयर कोर्स की अप्लाई करने की जो डेट है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम सतारह सात दो हज़ार तेईस टाइमिंग थ्री पी एम टू फोर थर्टी पी एम लोकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मैथेमेटिक्स काउंसिलिंग जो होगी वो होगी तेईस सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद एम एस सी फाइव ईयर कोर्स मैथमेटिक्स स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट बीस छः दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा पाँच सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग टेन एम टू ट्वेल्व फिफ्टीन पी एम काउंसलिंग जो होगी वो होगी बारह सात दो हज़ार तेईस से पंद्रह सात दो हज़ार तेईस उसके बाद माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्जाम सोलह सात दो हज़ार तेईस टाइमिंग टेन एम टू इलेवन एम लोकेशन लेक्चर थिएटर जो काउंसलिंग होगी वो होगी बीस सात दो हज़ार तेईस से इकतीस सात दो हज़ार तेईस उसके बाद एम एस सी कोर्स माइक्रोबायोलॉजी तो इसकी लास्ट डेट अलग है उसके बाद एम एस सी मल्किर बायोलॉजी अप्लाई करने की डेट है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो होगा सोलह सात दो हज़ार तेईस टाइमिंग टेन एम टू इलेवन एम लोकेशन लेक्चर थिएटर काउंसलिंग जो होगी वो होगी बीस सात दो हज़ार तेईस इकतीस सात दो हज़ार तेईस उसके बाद बी एस सी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं अपनी अपनी क्लास का उसके बाद म्यूज़िक डिपार्टमेंट है स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो होगा इक्कीस सात दो हज़ार तेईस को दो बजे से पाँच बजे तक दोपहर को वेन्यू ऑफ टेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक और जो काउंसलिंग होगी वो होगी उनतीस सात दो हजार तेईस को तो उसके बाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है एम एस सी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एम एस सी एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स फिलोस्पी एम एस सी स्पोर्ट्स एम ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तो स्टार्टिंग डेट जो है अप्लाई करने की वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस और एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो हर क्लास के अलग अलग है उन्नीस सात दो हजार तेईस बीस सात दो हजार तेईस इकतीस सात दो हजार तेईस चौबीस सात दो हजार तेईस पच्चीस सात दो हजार तेईस और टाइमिंग तो सेम है डेट अलग है तो आप अपने अपने क्लास के हिसाब से देख सकते हैं जिसमें आपने अप्लाई किया होगा और जो काउंसलिंग डेट है वो भी अलग अलग है बीस सात बीस सात इक्कीस सात चौबीस सात पच्चीस सात उसके बाद बी फार्मेसी फॉर एयर कोर्स अप्लाई करने की जो डेट है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट बीस छः दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो होगा पाँच सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग टेन एम टू ट्वेल्व फिफ्टीन पी एम लोकेशन महाराजा रंजीत सिंह भवन और जो काउंसलिंग होगी वो होगी बारह सात दो हज़ार तेईस से पंद्रह सात दो हज़ार तेईस तक गुरु नानक भवन उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिशन में जितने कोर्सेज़ हैं उसके बारे में बताया गया तो आप अप्लाई करने की जो डेट है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस और किसी किसी क्लास की लास्ट डेट है बीस छः दो हजार तेईस और बाकियों की है ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो फर्स्ट क्लास है उसका होगा तेरह सात दो हजार तेईस सेवन थर्टी ए एम ऑनवर्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन में और जो काउंसलिंग होगी वो होगी चौदह सात दो हज़ार तेईस तो आप अपने अपनी क्लास के हिसाब से देख सकते हैं जिसमें आपने अप्लाई किया होगा तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फिजिक्स एम एस सी फिजिक्स टू ईयर कोर्स अप्लाई करने की जो डेट है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस टेस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम सतारह सात दो हजार तेईस टाइमिंग ट्वेल्व पी एम टू टू पी एम वेन्यू ऑफ टेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स काउंसलिंग जो होगी वो होगी बाईस सात दो हज़ार तेईस को तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं एम एस सी फाइव ईयर फिज़िक्स का भी उसके बाद और कुछ क्लासेज हैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अर्बन प्लानिंग मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग टू ईयर कोर्सेज हैं कुछ क्लासेस की जो लास्ट डेट है वो है बीस छः दो हजार तेईस और कुछ क्लासेस की है ग्यारह सात दो हज़ार तेईस तो आप अपनी अपनी क्लास के हिसाब से देख सकते हैं उसके बाद फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है बैचलर ऑफ़ फिजियोथेरेपी स्टार्टिंग डेट जो है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट है बीस छः दो हज़ार तेईस काउंसलिंग जो होगी वो होगी बारह सात दो हजार तेईस से पंद्रह सात दो हज़ार तेईस तक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो है पाँच सात दो हज़ार तेईस को टेन एम टू ट्वेल्व फिफ्टीन पी एम लोकेशन महाराजा रणजीत सिंह भवन उसके बाद मास्टर ऑफ़ फ़िजियोथेरेपी स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम अठारह सात दो हजार तेईस टाइमिंग टेन एम टू इलेवन एम टेस्ट जो होगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़िजियोथेरेपी में काउंसलिंग की जो डेट है वो है उन्नीस सात दो हज़ार तेईस उसके बाद पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट एम ए पोलिटिकल साइंस टू ईयर कोर्स और एम ए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस टू ईयर कोर्स अप्लाई करने की जो डेट स्टार्टिंग है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम अठारह सात दो हज़ार तेईस को दोपहर को बारह बजे से दो बजे तक काउंसलिंग जो होगी वो होगी बीस सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट साइकोलॉजी एम ए साइकोलॉजी और एडवांस डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की जो है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा तेईस सात दो हजार तेईस सुबह दस बजे से बारह बजे तक और जो काउंसलिंग की डेट है वो है छब्बीस सात दो हज़ार तेईस एडवांस डिप्लोमा एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आप अपने हिसाब से देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है पंजाब स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एम एस सी इकनॉमिक्स फाइव ईयर कोर्स टू ईयर कोर्स एम ए बिजनेस इकनॉमिक्स तो स्टार्टिंग डेट सबकी सेम है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट किसी की है बीस छः और किसी की है ग्यारह सात दो हज़ार तेईस तो आप अपनी अपनी क्लास के हिसाब से देख सकते हैं उसके बाद पंजाबी डिपार्टमेंट एम ए प्राइवेट कोर्स पंजाबी स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट बीस छः दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा तीन सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग ग्यारह एम टू ट्वेल्व पी एम जो होगी वो होगी पाँच सात दो हजार तेईस को एम ए पंजाबी टू ईयर तू कोर्स अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा सतारह सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग टेन एम टू अलवन थर्टी एम और जो काउंसलिंग होगी वो होगी उन्नीस सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद एम ए संस्कृत है स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो होगा सतारह सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग दोपहर साढ़े बारह बजे से दो बजे तक जो ई टेस्ट होगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में काउंसलिंग जो होनी है वो होगी बीस सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद बी ए सोशल साइंस फोर ईयर कोर्स अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट बीस छः दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा एक सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग जो है वो है टेन ए एम टू ट्वेल्व पी एम लोकेशन महाराजा रंजीत सिंह भवन और जो काउंसिलिंग चलेगी वो चलेगी सात सात दो हज़ार तेईस से बारह सात दो हज़ार तेईस तक उसके बाद एम ए इंटरनेशनल रिलेशन टू ईयर कोर्स अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम अठारह सात दो हज़ार तेईस टाइमिंग ट्वेल्व पी एम टू टू पी एम लेक्चर थिएटर लोकेशन और जो काउंसलिंग होगी वो होगी बीस सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद शेशोलॉजी डिपार्टमेंट जो फर्स्ट क्लास है वो है एम ए शेशशोलॉजी टू ईयर कोर्स अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो होगा अठारह सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग ट्वेल्व पी एम टू टू पी एम और जो काउंसलिंग होगी वो होगी बीस सात दो हज़ार तेईस को और नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो है उर्दू लैंग्वेज का अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट सतारह सात दो हज़ार तेईस टाइमिंग थ्री पी एम टू फोर पी एम काउंसिलिंग जो होगी वो होगी अठारह सात दो हज़ार तेईस को तो आप अपने अपनी क्लास के हिसाब से देख सकते हैं जिसमें आपने अप्लाई किया है उसके बाद एम बी ए टू ईर कोर्स और एम बी ए के बाकी कोर्सेज़ हैं तो आप अपनी क्लास के हिसाब से देख सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा सतारह सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग टेन थर्टी एम टू वन पी एम जो चलेगी वो चलेगी इक्कीस सात दो हजार तेईस से चौबीस सात दो हज़ार तेईस तक उसके बाद नीचे एम कॉम टू कोर्स अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो होगा अठारह सात दो हजार तेईस को टाइमिंग टेन एम टू एलेवन थर्टी एम और जो काउंसलिंग होगी वो होगी उन्नीस सात दो हज़ार तेईस को उसके बाद एम बी ए फाइनेंस टू ईयर कोर्स एम बी ए फाइव ईयर कोर्स फाइनेंस एम कॉम फाइव ईयर कोर्स स्टार्टिंग डेट आठ पाँच दो हजार तेईस लास्ट डेट ग्यारह सात दो हज़ार तेईस काउंसलिंग सतारह सात दो हज़ार तेईस टाइमिंग और काउंसलिंग कहाँ पर होगी वो भी आपको बताया गया और उसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो इसमें जो फर्स्ट क्लास है वो है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट जो है वो है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट है बीस छः दो हज़ार तेईस और जो इनकी एडमिशन होनी है वो जे ई बेस्ड एग्जाम जो है उसके रिजल्ट के थ्रू होगी और उसके बाद जो क्लास है वो है बी टेक सिविल इंजीनियरिंग और बी टेक मैकेल इंजीनियरिंग अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट है ग्यारह सात दो हज़ार तेईस और जो इनकी एडमिशन होगी वो थ्रू मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम के थ्रू होगी और जो इनकी काउंसलिंग होगी वो होगी तेरह सात दो हज़ार तेईस को महाराजा रंजीत सिंह भवन में और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लास्ट डिपार्टमेंट जूलॉजी फर्स्ट क्लास है एम एस सी जूलॉजी टू ईयर कोर्स अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट है ग्यारह सात दो हज़ार तेईस एंट्रेंस एग्जाम होगा सोलह सात दो हज़ार तेईस को टाइमिंग टेन एम टू इलेवन एम लेक्चर थिएटर लोकेशन और जो काउंसलिंग होगी वो होगी बीस सात दो हजार तेईस से इक्कीस सात दो हजार तेईस और लास्ट क्लास है एम एस सी फाइव ईयर कोर्स जूलॉजी अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है आठ पाँच दो हज़ार तेईस लास्ट डेट बीस छः दो हजार तेईस एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो होगा पाँच सात दो हज़ार तेईस को और जो टाइमिंग है वो है टेन ए एम टू ट्वेल्व फिफ्टीन पी एम लोकेशन महाराजा रंजीत सिंह भवन और जो काउंसलिंग होगी वो होगी बारह सात दो हजार तेईस से पंद्रह सात दो हजार तेईस तो ये था पूरा शेड्यूल जिसमें आपको बताया गया था कि स्टार्टिंग डेट कब है कौन सी क्लास की और लास्ट डेट कब है और एंट्रेंस टेस्ट आपका कौन सी डेट पर होना है टाइमिंग क्या है और लोकेशन कौन सी लोकेशन पर होगा और काउंसलिंग का शेड्यूल भी बताया गया है कि आपकी काउंसलिंग जो होनी है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद वो कौन सी डेट पर होगी तो सारा कुछ आपको डिटेल में बताया गया था इस नोटिफिकेशन में और जी एंड से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो और बेलाइकिन ज़रूर प्रेस कर देना थैंक यू